अरे चलित के आजकल बहुत तेज गीत चल रहे आजकल कैसेट में गावत हो कोई आज हम ना होइले बानी से अंकुर से आप कौन से लिया हम अच्छे तू अब स्कॉर्पियो सफारी फॉर्चूनर वाले ताकत रहे हवे में थे रोवाला एक और में हरारू कह रहा कि अब कबो ना नहाई बाबा से अंकुर से अब बनारस में हमारे क्या एक सरदार का सरदारी नहीं वो गावेली सारा काम काज चल पैसा से एक लाइन हम गाइला था आवल आवाज अब हर दिन से आवल आवाज अब हर दिन से नहीं वाला थी वो सारी चीज़ से Yeah,
कैसे कैसे धर्म है बड़ा खूबसूरत बतरी भैया पांच में भगवान का भजन हो जाए तभी सोहर हो जाए और बड़ा सुंदर प्रारूप हो कैसे अंधरा में कितना सुंदर लाइन बाहर तक कभी लोग पहुंचे अरे अखिया चोरावे We'll be right back.
लायो भतीजा तू नोबिल चुनके आला तू लायो भतीजा तू नोबिल चुनके लम्हा हो और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रथा में सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण कजन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनावल गई। भगवान कैसे धर्म बड़ा खूबसूरत बतरे भाई आप पांच में भगवान का भजन हो जाए तरी सोहर हो जाए और बड़ा सुंदर प्रारूप हो कैसे बात देखा बच्चे तो सीखत है खूब ध्यान से गैया जो कोई भी गावे तो उसे सब कोई बिरहा में बड़ा जब दुई तीन महीना तो आरू मरिए मतलब बिरहा का तो सबका बिरहा सुना देखा लोग कैसे का करत हूँ कैसे बोलत हूँ एक वीर रस का और वीर रस तो हम लोग के खानदान के खून में है ये खड़वे जन हो तुम वीर रसा भैया आवा कहीं कैसे मास्टर आओ एक इतिहास के वीर रस गीत बड़े शानदार लोग बैठल हूँ इतिहास के वीर रस गीत में हम बता दे कि लड़ाई चाहे जो भी रही हो लड़ाई चाहे जो भी रही हो चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं बिना यदुवंशियों की कोई लड़ाई पार नहीं हुई ना कोई लड़ाई सिद्ध हुई में सिद्ध कर हमारे कोनिया से कालीचंद भैया मंगरू सरदार बैठ के शोभा बढ़ा रहे राजा पगड़ी छूट जा तब सही कहले का जरूरत नहीं है आप लोग कलेजा धह के बैठल रहा बिरह अंतिम हो तो हो मन करी के उठा के तलवार लड़ाई लगा दी अब पावर तो अपने हाथ में जितना जड़ा लगाई उतना घोड़ा उड़ जाए बिजली लगी कौ धने बाजुओं में जगात सिंह सोया पहलवान विक्रम जैसे कहानी का शुरुआत हुई विक्रम पहलवान अब कितना भाई सोचते हैं ये भैया ही कौन पहलवान हम बताओ थे विक्रम सिंह और इतिहास की सबसे बृहत सबसे भयंकर लड़ाई बोला मतलब इतिहास का सबसे भयंकर लड़ाई हल्दी
दूसरी घाटी की लड़ाई, महाराणा प्रताप ने जिस लड़ाई को लड़ा था, लड़ते लड़ते अपने आप को मिटा दिया था, लेकिन कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। जैसे कहानी थे निकल, जहां में पहुंचा रवि वहां तक पहुंचे कभी। विक्रम सिंह के रहल महाराणा प्रताप का सगत साला रहलन अकबर के चढ़ाई कैले के 26 साल पहले। भैया एकदम बोला मत, प्लीज प्लीज बोला मत भैया, एकदम धीरे से 15-20 मिनट समय दे जा। बिरहा गाना कोई नीक खराब नहीं हो, आप लोग प्रेम से सुनी हर सिटी में रह कर प्रताप ब्याह करे बदे बिंदु मती से गईलन है। और वहां जब पहुंचलन तभी हवा में कबो कबो हमारे घरे आपके घरे ना हो देख लेवा, कबो कबो वही में वहां ठोटी हो जाले, झगड़ा हो जाते लड़का कुल झगड़ा कर दलन। महाराणा प्रताप कलन कौन झगड़ा करत है यार, कलर है कुल लड़का हो बड़ा तो नता करत हो। महाराणा प्रताप के मुंह से निकल के हटावा ने तो मारब तलवार से दुई फाड़ दी। कुल लड़का रो चल गल कहा महाराणा प्रताप के सगे साला विक्रम सिंह के हा अजा के करत के हमार तलवार से मारे कलन। अब विक्रम सिंह बहुत बड़का पहलवान, 100 पट्ठा के जोर करावत रहलन विक्रम सिंह, मामूली पहलवान ना रहलन। विक्रम सिंह जब उठलन वहां से, अरे के गलत तलवार से मारे, तो एक तब पहलवान के ऊ पहलवान हुई भैया बुरा मत मानी, हमारे घरे भी पहलवान हुआ, पहलवानन के बुद्धि ठेगुना में हो गई। अरे ठेगुनी आई है तो बाद में सोचो, पहलवानन के बुद्धि ठेगुना में हले। विक्रम सिंह ने आओ देखल न ताव आके महाराणा प्रताप के आगे पखुरा लगल फैलावा, कहा कौन बोला धरे तान के पटक पीठ फाट जाई। राणा प्रताप के नागवार लगल रतिया के दुल्हन के विदाई करौले रहन और ले के चल देलन चित्तौड़ की ओर। कहलन सुना आज के बाद हमार तुहार रिश्तेदारी आजा मत न कभी हम आई। अवाक होके बेचारे ताकत रह गेलन, गलती तो हो गई हो लेकिन कर का। महाराणा प्रताप के दिल में बहुत बड़ा दुख हो कि हम तो इनका बहनोई रही, इनके दरवाजे पर ब्याह कराया लगी, हम कुछ बोली गली तय कर तान के पट पटकप चढ़ दे पीठ फाट जाई, पटकलन कह दलन तो पटक देवन मालिक और इज्जत हमार चल गई। तो बिरहा में कभी जी लिखलन अलन 26 साल तक न बिंदु मती करबो न यहर जाए के ना देखा ई समर्पण। 26 साल तक न बिंदु कबो जाए के नाम लेलिन न राणा प्रताप कबो न यहर भेजलन। अब वही बीच में अकबर चढ़ाई कर दिया बिरहा। आप लोग बड़ा सुन ले हो ये बिरहा का आनंद लिया, ये समय का बड़ा हवा ये बिरहा का। अदुये 10-15-20 प्रोग्राम तो हम एक बिरहा गाई ला, ओकर बाद अदमे दूर दूर तक 100 किलोमीटर जाके सुन ले लन, ओकरे बाद बदले के पड़ा ला आनंद लिया। चढ़ गया अकबर चढ़ाई कर दिया, तमाम राजाओं को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। बुरा मत मानिएगा कुछ राजाओं ने तो अपने बहन बेटी का सौदा भी कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप घास की रोटी खाया, धज्जियां उड़ गई, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। कितना सेना रहे अकबर का, एक बार आपको हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में ले चलता हूँ। 95,000 सेना थी, बृहद सेना अकबर की। राणा प्रताप कितना सेना, 14,000 और 95,000 का तुलना कर ले जा। लेकिन बारह चित्तौड़ का बहादुर इतना ताव से लड़लन कि नाको चना चबवा देलन, बारी बारी से मारल गईलन। अकेले राणा प्रताप और 10,000 सैनिकन में घिर गए हुन। अब जना था कि मरा जी हन, ये जैसे विरह का शुरुआत हो गई, एक कव्वाली का तज लगल और तीन लाइन हो ये नया शुरू कर ले, तीन लाइन गजल हो, एक लाइन आप लोग के लिए, एक लाइन करे वो देखते हैं, एक लाइन आप लोग के लिए, एक लाइन हमारे दो तीन से भाई यहाँ बैठल पप्पू ज्ञानी ये लोग के लिए और एक लाइन भगवान श्री कृष्ण के लिए। बात निक लगे तो ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। वही लाइन बिरहा के जब शुरुआत करते हैं, बात जब चढ़े दिमाग पर तब के लिए गमजदा का मतलब उदास मायूस, के मुझे गमजदा देख कर ओयू बोले, क्या बोले के मुझे गमजदा देख कर
क्या बोले ऐ विजय लाल हमारा है तो ज्ञानी बाबू शारदा बाबू पप्पू बाबू हो रुसवाई मेरी मेरी आंखें नम हो मैं बोलने लगू हो रुसवाई मेरी मेरी आंखें नम हो अरे मेरे यार को दुठे जानवर बड़ा वफादार होला ना समझदार हो
घोड़ा और कुत्ता ये दोनों कौन सौखी नहीं भैया। हाँ तब तो इस चेतक पर बैठल हमन चेतक के विषय में हमन पढ़ले ही रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक पर बैठल हमन आ मुड़िया लटका के ओकरे खनवा में घोड़वा के राणा प्रताप कहवन कि आज महाराज का आज महाराज का दोनों पैर उठा करके और टाप चलाते हुए घोड़ा 10,000 सैनिकों को चीरता हुआ अरावली के मैदान की ओर निकला। 24 फीट का नाला उस नाला को डांप करके राणा प्रताप की जान बचा लिया। भले ही अपना जान गंवाना पड़ा लेकिन कवि ने भाव दिया है क्या सरदार से निवेदन हम थोड़ा मंच पर आ जाए भैया 10 मिनट गा ले तब बतिया जा हिंदुस्तान वाले कुश्ती बड़ा तेज राणा प्रताप को अगर छिपे हुए बिल से बाहर निकालना है आ कोई बरियार पहलवान बुला के चित्तौड़ बूंदीगढ़ में चैलेंज करवा दो तुरंत बिल से बाहर राणा प्रताप निकल गया कोई लड़े वाला हो नहीं तो बिरहा में तर्ज लग गई हो। एक गाजीपुर जिला का एक मशहूर फनकार सभी परवाज तर्ज के गावत रहन कैसी किसी न तन के गोरिया जाए चुनरी भुइया ले लहराए कि हम का दरबारे अरे दरबार के सजनियो उड़ न जाए तोरी रे सनी ओढ़िया आजम चल न पाए अनिबिया नैनन में ना आए और अनिबिया नैनन में